विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय सत्र आहूत करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सरकार के निर्देश के अनुसार गैरसैंण हो या फिर देहरादून, विधानसभा सचिवालय हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऋतु खंडूरी ने बताया कि अब तक विधानसभा सचिवालय को विधायकों से तकरीबन 400 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं। देहरादून और गैरसैंण दोनों जगह विधानसभा को डिजिटल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए विधानसभा में कागज का कम इस्तेमाल होगा और समय की भी बचत होगी। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के तिनगढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे पहुंचे। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने जीआईसी विनयखाल में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे प्रभावितों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि आपदा प्रभावित तिनगढ़ गाँव का विस्थापन सुरक्षित जगह पर किया जाएगा, जबकि खतरे की जद में आए जखाड़ा और तोली गाँव का भी जल्द भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट्स के आधार पर गाँव को भी आसपास सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना विवाद को लेकर सतपाल महाराज के बयान के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ गर्भगृह में सोना लगाने को लेकर वो जल्द ही एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किए जाने को लेकर शिकायत मिलने पर उन्होंने कमिश्नर के माध्यम से तत्काल जाँच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। आस्था के इस पवित्र धाम केदारनाथ पर बयानबाजी करना बिल्कुल सही नहीं है। सतपाल महाराज ने कहा कि इस मामले में उन्होंने एक साल जांच की, अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके जरिए वो बड़ा खुलासा करेंगे। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक उत्पादों विशेषकर बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स और दालें जैसे पीजीएस प्रमाणित उत्पादों की खरीद के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने रुचि दिखाई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह जानकारी साझा की। गणेश जोशी ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद और NCOL के माध्यम से होने वाली बैठक में MOU साइन करेगा। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल के पास बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव को लेकर विष्णुपुरी ज्ञानखेड़ा जनहित संघर्ष समिति ने टनकपुर तहसील में SDM आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा। समिति के महामंत्री परमानंद जोशी ने जल भराव की मुख्य वजह नाले पर बनाई गई सड़क पर वार्ड 11 और वार्ड 4 द्वारा किए गए अतिक्रमण को बताया। समिति ने एक महीने के भीतर जल भराव का समाधान न होने पर आगामी नगर निकाय चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। SDM ने समिति को निष्पक्ष जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में मोहन चंद्र तिवारी, दीपक जोशी, माया अधिकारी, दीपा रावत, कमल सिंह पाटनी, निर्मला देवी, तुलसी देवी आदि मौजूद रहे। हरिद्वार के श्यामापुर थाना क्षेत्र में नमामि गंगे घाट पर जल भरते समय एक बच्चे और युवक की मौत हो गई। SDRF ने कुछ ही घंटों के अंदर पास से बच्चे के शव को बरामद कर लिया, जबकि युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कावड़ मेला चरम पर पहुंच चुका है और गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सोमवार को 62 लाख कावड़ यात्रियों ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। वहीं अब तक 8 दिनों के अंदर 1,83,00,000 से ज्यादा कावड़ियों की संख्या पहुंच गई है। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 News एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज K24 News एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 News एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।